नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश गुना लोकसभा चार गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हेमंत सिंह कुशवाहा, जिनका चुनाव चिन्ह अलमारी है, हर समाज एवं कुशवाहा समाज का फुल सपोर्ट मिल रहा है एवं अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बता देते हैं कि 15 गांव का हेमंत सिंह एवं उनकी टीम द्वारा जनसंपर्क किया गया और अपील की गई कि 7 मई को मतदान जरूर किया जाए। बताते चले कि भाजपा कांग्रेस को कर दे सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, उतनी शासन प्रशासन अपनी आवाज सुनी जाएगी। तो हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम समाज की बात सुनी जाए, समाज की ताकत बने। भाई हम देख रहे हैं खूब बड़े बड़े मंच लगाते हैं अपने समाज को। एक चीज बता दो कि जितने भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस इनके मंच लगते हैं, कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को बैठ के कुर्सी पर डालते हो, माला पहनाते हो, माइक देते हो, मंच देते हो, बताते हो, कोई मान सम्मान नहीं देते। कांग्रेस होता भारतीय जनता पार्टी, ये मान सम्मान की लड़ाई है। यदि नोटों की लड़ाई होती तो हम कभी नहीं लड़ते, क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं ना उनके पीछे कुशवाहा समाज सुधर नहीं सकती। क्यों नहीं सुधर सकती? कुशवाहा समाज तब सुधरेगी जब मैं स्वयं सुधरूंगा, मैं खुद की ताकत बनाऊंगा। हम दूसरे से कहते हैं कि वो बोस में है, बोस में नहीं। हमारे केवल कहीं भी रहिए, आप किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन वोट समाज के नाम पर समाज की ताकत बनाने के लिए अलमारी के चिन्ह पर ही लगाना पड़ेगी, तब काम चलेगा। आप सभी से निवेदन है अलमारी के जो चिन्ह है ना उसका बटन दबाएं और हमारे समाज की ताकत बनाएं, तभी हमारे समाज को न्याय मिलेगा। वरना न्याय तो कोसों दूर है, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर इतना न्याय अत्याचार होता है, बहन बेटियों पर इतना सताया जाता है कि कल्पना नहीं की जाती है। जिला गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ।